पंकज जी, इस भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों? अभी तो चुनाव 2 साल दूर है। आपकी आवाज थोड़ा कट गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने यही पूछा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत कांग्रेस को क्यों महसूस हुई है। तो जी बिल्कुल जायज सवाल है, और एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी मानती है, और मेरा ख्याल है देश के बहुत लोग इस बात को देख रहे हैं कि जिन बुनियादों पर इस देश की तामीर हुई थी, जिन मुद्दों पर, जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, आज वो बुरी तरह दरक रहे हैं। न सिर्फ दरक रहे हैं, बल्कि इस देश की जो सत्ता है वो उसको तोड़ने में जुटी हुई है। देखिए, जब पिछली सदी के 40वें दशक में या 50 के आसपास दुनिया के बहुत से देश उपनिवेश जो थे वो आजाद हुए, उसमें भारत एक बेहद अलग रास्ते पर गया, जहां पर उसने सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, इस तरह का एक रास्ता अख्तियार किया जो शायद दूसरे देशों में उस तरह से या तो हुआ नहीं, या फिर वो बहुत थोड़ी दूर जाकर वो खत्म हो गया, वो उनका प्रयोग आमतौर पर तानाशाहियां रही, या फिर दूसरे जो पूरे मसले हैं धर्म को लेकर, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा अभिनव प्रयोग हुआ। महात्मा गांधी ने खास तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह के भारत की कल्पना की थी, और जिस तरह से समता का भाव, जिस तरह से साझेदारी का भाव, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का भाव या धार्मिक सद्भावना का भाव पैदा किया गया, वो अभूतपूर्व था। वो इस देश में इसकी कल्पना इसके पहले नहीं की जा सकती थी। पहली किताब उपमहाद्वीप में जिसने कानूनी लिहाज से पहली बार आदमी और आदमी को, आदमी को और औरत को, सबको बराबर माना, बिना किसी धर्म, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, रंग, हर चीज को। तो अपने आप में एक ऐसा प्रयोग था जो जी शायद इस देश में कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस पर ही हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, सभी संस्थाएं इस समय एक तरह से अपनी भूमिका नहीं निभाने की स्थिति में है। आप जैसे लोग आज टेलीविजन में नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। तमाम लोग, ना मीडिया अपना काम कर पा रहा है, ना न्यायपालिका से लोगों की उम्मीद लगातार खत्म होती जा रही है, कार्यपालिका का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो जो हमारे पूरे लोकतंत्र के या आइडिया ऑफ इंडिया का जो एक विचार था, वो आज लगातार न सिर्फ संकट में है, वो हमले का शिकार हो रहा है। तो ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो ये संदेश एक तो देगी कि किस तरीके से हमारे जो स्वप्न थे उनको फिर से उनमें चमक लाई जाए, लोगों को बताया जाए कि ये हिंदुस्तान नहीं है जिसके लिए आपके पुरखों ने शहादत दी है। और जिस तरह से एक सांप्रदायिक विद्वेष को, जिस तरह से धार्मिक नफरत को राजनीति का औजार बना लिया गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसका एक जवाब दिया जाए और कहा जाए कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। और अपने आप में यह अनोखी पदयात्रा है, पहली पदयात्रा है जो कोई नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं चंद्रशेखर जी ने किया था 1983 में, जो कन्याकुमारी से राजघाट दिल्ली तक आए थे, लेकिन कश्मीर, कन्याकुमारी से चलकर और सीधे कश्मीर तक जाना एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। और मेरा ख्याल है इस देश की जनता इस बात को समझेगी अच्छे तरीके से, और इस देश के माहौल में जो बेहद घुटन है, उस घुटन को यात्रा तोड़ेगी। जी बट पंकज जी, ये तो ऐसे समय में जबकि कांग्रेस पार्टी खुद टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है पार्टी छोड़ के चले गए हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे आपके बेहद ही सीनियर नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है बशर्ते कि भारत जोड़ने की। देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर भारत हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जोड़ना उसमें शामिल ही है। क्योंकि अगर कांग्रेस टूट रही है, तो कांग्रेस टूट नहीं रही, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया है। अगर आइडिया ऑफ इंडिया टूट रहा है, तो सबसे जरूरी उस आइडिया ऑफ इंडिया को और इंडिया को जोड़ने की बात करना है। पार्टी उसी में जुड़ेगी, उसी में बनेगी। जो लोग आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि अब 20 साल हमने देश पार्टी को दिया, 40 साल दिया, 50 साल दिया? आपने तब दिया जब इस देश में कांग्रेस सत्ता में थी। आप लगातार सत्ता में थे, आप लगातार राज्यसभा में थे, आप लगातार लोकसभा में थे, आप लगातार मंत्री पद पर थे। आज जब 4 साल, 5 साल सत्ता से बाहर है, तो आपकी ये हालत हो गई है कि आप गांधी की पार्टी का कोई आदमी अपनी पार्टी की नीति से, किसी नेता से नाराज हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर वो गोडसे की पार्टी में चला जाएगा? इसका मतलब है कि वो गांधी की पार्टी में कभी था ही नहीं। इस बात को मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गांधी की विचारधारा के आधार पर कांग्रेस से जुड़ा हो, वो किन्हीं असहमतियों या नाराजगी की वजह से गोडसे के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा। यह संभव नहीं है। और सिर्फ नाम रखने से
कौन आजाद होता है और कौन गुलाम होता है वो तो हमको आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।